तो बीजी तरफ राजकोट में आईएमए डॉक्टर्स की हड़ताल मामले अत्यारे महत्वपूर्ण अपडेट मिली रही है। सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर साथ डॉक्टर्स साथ बैठक थी हवे पूर्ण थई है। डॉक्टर्स साथ सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर की बैठक नो सुखद अंत आव्यो छे। आ बैठक में धमाल मचावनार मनीष सेखरेलिया पर योग्य पगला भरवा माटे बाहेधरी आपवामां आवी। डॉक्टरोए हड़ताल पाछी खेंची लीधी छे। हवे तेओ आरोग्य लगती जे तमाम कामगीरी छे तेमां जोड़ाशे। तमाम होस्पिटल अने मेडिकल स्टोर राबेता मुजब शुरू थई जशे। डॉक्टरनी हड़तालना पगले कैबिनेट मिनिस्टर जयेश वाधड़िया अने सांसद रमेश धड़ुक जेतपुर दौड़ी गया हता अने बंदबारणे आ बैठक मळी हती। आखरे आ बैठकनो सुखद अंत आव्यो छे। डॉक्टर्से हड़ताल पाछी खेंची छे। तमाम होस्पिटल अने मेडिकल स्टोर राबेता मुजब शुरू थशे। आज मुद्दे वधु जानकारी आपी रह्या छे टीवी 9 ना संवाददाता मोहित भट्ट। मोहित, आईएमए डॉक्टर्स नो जे मामलो हतो, हड़तालनो मामलो, ते हवे आखरे सुखद अंत आव्यो छे। चित्रा, बे दिवस पहला जेतपुरमां एक होस्पिटल छे तेमां डॉक्टर पर एक दर्दी छे अने तेमना परिवारजन छे तेमना द्वारा हुमलानो प्रयास करवामां आव्यो हतो अने धमाल मचावामां आवी हती। समग्र मामलाने लईने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आजथी 3 दिवस माटे जेतपुर शहेरनी जेटली पण खानगी होस्पिटल छे साथे साथे मेडिकल स्टोर बंध करवानी जाहेरात करी हती अने आजथी हड़ताल पर पड़ी हती। जो के बादमां जे केबिनेट मंत्री जयेश राधड़िया अने सांसद पोरबंदरना सांसद रमेश धड़ुक छे तेमना द्वारा आ तमाम डॉक्टरो छे तेमनी साथे बैठक करवामां आवी हती अने बैठकनो सुखद अंत आव्यो छे। केबिनेट મિનિસ્ટરે જે વ્યક્તિ દ્વારા ધમાલ મચાવવામાં આવી હતી અને જે અસામાજિક તત્વ છે તેની સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપતા અને ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની ઘટના ન બને તે માટે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની બાંહેધરી આપતા આ હડતાલ સમેટાઈ છે। મહત્વનું છે કે મેડિકલ સ્ટોર અને ડોક્ટરોની હડતાલને કારણે લોકોને ભારે હાલાકી થઈ રહી હતી ત્યારે તેનો સુખદ અંત આવ્યો છે અને લોકોએ પણ રાહત પામીતો છે। જી, આભાર મોહિત, સમગ્ર મામલે જાણકારી આપવા બદલ। તો આપને જણાવી દઈએ કે સુખદ અંત આવ્યો છે આ બેઠક જે મળી હતી, જે બાદ ડોક્ટરોને સુરક્ષાની ખાતરી આપવામાં આવી છે। મિનિસ્ટર અને સાંસદ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત હતા। આખરે સુખદંત આવતા ડોક્ટર્સ ફરી એક વખત તેમની આરોગ્યલક્ષી સેવામાં જોડાયા છે।